गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कंप्यूटर. टॉपिक इज वर्ड पैड. सो व्हाट इज वर्ड पैड? वर्ड पैड इज ए प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू टाइप टेक्स्ट. यू कैन टाइप स्टोरीज, पोएम्स, लेटर्स, etc. तो वर्ड पैड एक प्रोग्राम है जिसका यूज करते हैं हम लोग टेक्स्ट टाइप करने में. कुछ भी टाइप करना है तो इसमें हम लोग वर्ड पैड का यूज करते हैं टेक्स्ट टाइप करने के लिए. इन अदर वर्ड्स यू कैन से वर्ड पैड इज ए टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम यू कैन यूज टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स. तो वर्ड पैड का किस में यूज करेंगे? वर्ड पैड क्या हुआ? टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम. इसमें आप लिख सकते हैं और उसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं, कुछ आपको चेंज करना है वो भी कर सकते हैं इस वर्ड पैड में. तो हाउ टू स्टार्ट द वर्ड पैड? स्टार्टिंग वर्ड पैड. टू ओपन वर्ड पैड फॉलो द स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप्स ऑन द स्टार्ट स्क्रीन लोकेट एंड क्लिक वर्ड पैड टाइप. ये आपका स्टार्ट स्क्रीन ऐप्स है. यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स दिख रहा है. यहाँ पे आपको शो कर दिया है कि यहाँ पे वर्ड पैड शो कर रहा है. तो इसमें आप क्लिक करेंगे, आपका वर्ड पैड टाइल में क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा. या और टाइप वर्ड पैड इन द सर्च बॉक्स. सर्च बॉक्स में आप वर्ड पैड टाइप करेंगे तो भी आपका वर्ड पैड विंडो अपीयर हो जाएगा. जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये विंडो ओपन होगा. ये कौन सा विंडो है? वर्ड पैड विंडो. इसको कहते हैं वर्ड पैड विंडो. तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है वो हम लोग पढ़ेंगे. कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड पैड विंडो. फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड पैड. देयर आर सम कंपोनेंट्स. क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार. दिस इज टैब्स. फाइल, होम, व्यू. देयर आर थ्री टैब्स. फर्स्ट टैब्स इज फाइल टैब, देन होम टैब, देन व्यू टैब. दिस बार इज कॉल्ड टाइटल बार. हियर इज रिटन दैट. और दिस इज कॉल्ड रिबन. ऑल फ्रॉम दिस टू दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिबन. ओके, हियर इज दिस लाइन इज कॉल्ड रूलर. रूलर इट मीन्स स्केल. यू कैन से स्केल, टाइप ऑफ स्केल. वर्ड पैड विंडो में स्केल भी रहता है. जितना आपको पेज का लेंथ चाहिए उसी के बेसिस पे आप इसका रूलर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, ये माउस का कर्सर, ये हो गया आपका टेक्स्ट एरिया. और ये पेज को जूम करना है, जितना जूम करना है उतना साइज दिया रहता है. तो वन बाय वन ये हम लोग इस कंपोनेंट्स का डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट है आपका क्विक एक्सेस टूल बार. वॉट इज क्विक एक्सेस टूल बार? इट प्रोवाइड्स यू विथ एक्सेस टू कमांड्स दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज बाई डिफॉल्ट. सेव, अंडू एंड रीडू अपीयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स क्विक. जो काम हम लोग को, ऐसा टूल बार जो क्विकली हम लोग को चाहिए यहाँ से यूज कर सकते हैं. इसमें जैसे अंडू, रीडू का आपका ऑप्शन रहता है और सेव का भी ऑप्शन रहता है. तो क्विक एक्सेस टूल बार में ये सब आपका ऑप्शन रहता है. नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट फाइल टैब. यहाँ लिखा हुआ है फाइल टैब. इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बिलो होता है फाइल टैब. इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट कमांड्स टू वर्क इन वर्ड पैड. क्लिक द डाउन एरो टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कमांड. क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बिलो होता है फाइल टैब. इसके एरो में जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक ये टूल बार खुल जाएगा जिसमें बहुत सारा डिफरेंट कमांड्स रहता है. न्यू, ओपन, पेज को सेव करना है, प्रिंट करना है, तो डिफरेंट कमांड्स रहता है फाइल टैब में. नेक्स्ट कंपोनेंट इज दैट. नेक्स्ट कंपोनेंट इज रिबन. फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस इज कॉल्ड रिबन. इट होल्ड्स ऑल ऑफ द कमांड्स एंड फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द टैब. ये जो टैब है फाइल, होम और व्यू, ये तीनों टैब का फीचर्स को हो, मतलब इसका फीचर्स इसी एरिया में रहता है, रिबन एरिया में. इट हैज़ टू पार्ट्स, टैब्स एंड ग्रुप्स. दो पार्ट में डिवाइड है रिबन. इच टैब कंटेन्स कमांड्स अरेंज्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स. टैब्स है दो पार्ट में है. पहला है टैब्स, तो ये हो गया आपका तीन टैब, फाइल, होम, व्यू. उसके बाद हर टैब है जो है अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है. ये हो गया अलग अलग ग्रुप आपका दिया है. फर्स्ट ग्रुप इज द क्लिप बोर्ड. क्लिप बोर्ड में आपका कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन रहता है. नेक्स्ट ग्रुप इज दैट फॉन्ट का. लेटर का साइज को चेंज करने का जो फीचर्स रहता है इस फॉन्ट ग्रुप में रहता है. पैराग्राफ, ये आपका पेज का
अलाइनमेंट को शो करता है. इफ़ यू राइट टू स्टार्ट द टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड यू कैन यूज दिस फीचर्स एंड सो मैनी फीचर्स आर देयर. लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट एंड मिडिल अलाइनमेंट जस्टिफाइड. दिस इज द पैराग्राफ. पैराग्राफ्स को आपको अरेंज करने के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं. इसके बाद इंसर्ट. अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, पिक्चर अपने टेक्स्ट में डालना है, कुछ ड्राइंग करना है या डेट टाइम और कुछ ऑब्जेक्ट का पिक्चर डालना है तो इंसर्ट बटन का यूज करेंगे. और यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन है. टेक्स्ट में कोई एडिटिंग करना है. द टैब्स आर लोकेटेड अक्रॉस द टॉप ऑफ द रिबन. टैब कहाँ पे लोकेटेड है? टैब्स आर लोकेटेड रिबन के जस्ट टॉप में टैब लोकेटेड है. अब है नेक्स्ट कंपोनेंट्स है विंडो का टाइटल बार. ये सबसे ऊपर में रहता है. आपका ये जो वर्ड पैड का विंडो है, ये वाला पोर्शन जो ब्राउन कलर का है, यही आपका टाइटल बार है. तो व्हाट इज टाइटल बार? इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द वर्ड पैड विंडो. वर्ड पैड विंडो के सबसे टॉप में लोकेट रहता है. द टाइटल बार डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन विच यू आर करेंटली वर्किंग. बाय डिफॉल्ट वर्ड पैड नेम्स द डॉक्यूमेंट एज डॉक्यूमेंट. वर्ड पैड सबसे विंडो के टॉप में लोकेट रहता है, जिसमें आप अपना डॉक्यूमेंट में नाम लिख सकते हैं. इसमें यहाँ पे आपका नाम सेव, अगर सेव करेंगे तो यहाँ पे नाम सेव करेगा. बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या लिखा रहता है? डॉक्यूमेंट लिखा रहता है. बाय डिफ़ॉल्ट इसमें डॉक्यूमेंट वर्ड पैड लिखा रहता है. अगर आप पेज अपने पेज को सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका उसी नाम से, जिस नाम से पेज को सेव किए वही शो करेगा. ओके, सो हियर वी सो टुडे वी लर्न दैट द व्हाट इज द वर्ड पैड कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड पैड. सो ऑल ऑफ यू रीड वन बाय वन ईच पॉइंट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड पैड. ओके, थैंक यू.